नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज साधारण ब्याज का ये दूसरा क्लास है और ये 12वां नहीं 11वां नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, कह रहा है कि 2189 रुपए को तीन भाग में इस प्रकार बांटा गया कि कितना है 2189 रुपए 89 रुपए को तीन भाग में बांटा गया है। इस तरह करके तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये है प्रथम भाग, ये है दूसरा भाग, ये है तीसरा भाग। इनको ब्याज क्रम से एक दो तीन वर्ष में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज 4%, सबका 4% होगा भाई, सबका 4% होगा। तो 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12। तो सबसे कम धनराशि कितना होगा? देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा फंडा है, समझना है। क्या फंडा है? ये जो एक राशि है, ये एक राशि का ये तीन भाग है। ये एक राशि को तीन भाग किया गया है। जब एक राशि को तीन भाग किया गया है तो जाहिर सी बात है कि हम इसको 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 जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए। अरे हम 3 रुपया को या फिर 6 रुपया को हम तीन भाग में बांटे तो वो तीनों भाग को जोड़ेंगे तो 6 रुपया पूरना चाहिए। तो यही कहने का मतलब है कि ये एक राशि को ये तीन भाग में बांटा है, फिर ये तीन भाग को जब समेटेगा तो ये पूरना चाहिए, तब ना सही होगा। तो देखिए 8 और 12 20 20 4 24 हो गया कितना 24, 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24 और 6 × 2 = 12। अब ये सबको जोड़ दीजिए, अब नहीं कट रहा है, जोड़ दीजिए 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11। देखिए ये तीनों को जोड़ने पर इतना होना चाहिए लेकिन ये तीनों को जोड़ने पर 11 हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे भागा लगा देंगे, हमारा पता चल जाएगा कि वो कितना 11 से 11 × 11 या डायरेक्ट लगाते हैं ना यार, डायरेक्ट लगाइए, का बच्चा वाला दिमाग है, डायरेक्ट 11 × 11 बच गया 10, दे दिए इसको, हो गया 108, 11 × 99, 11 × 99 बच गया 9, दे दिए इसको, हो गया 11 × 99। कहने का मतलब कि यह 199 गुना ज्यादा है, 199 गुना ज्यादा है, मतलब 11 को 199 से गुना करिएगा तो इतना पूर जाएगा, कितना 2189। जब 11 को 199 से गुना करेंगे इतना पूर जाएगा। तो क्वेश्चन का पूछा है कि सबसे कम धनराशि किसका है, तो 1, 2, 3 इसमें से सबसे छोटा ये है, तो इसको अगर हम 199 से गुना करेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 18, 18 × 1 = 2, 1 = 3। कहने का मतलब कि सबसे सबसे कम धनराशि किसका होगा, तो तीन नंबर वाला का कितना होगा 398, यही है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2665 की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार दिया गया है कि सबसे पहले क्या करना है, 2665 इसको दो भाग में बांट लेते हैं, 1, 2, ये है प्रथम भाग, ये है द्वितीय भाग। प्रथम भाग पर 3%, प्रथम भाग पर 3% और 8 वर्ष के लिए, तो 8 × 3 = 24 अर्जित। द्वितीय भाग 5% और 3 वर्ष के लिए, 5 × 3 = 15।
तो कह रहा है कि अर्जित भाग बराबर हो द्वितीय भाग की धनराशि क्या हो, यानी द्वितीय भाग की धनराशि पूछ रहा है। देखिए ये भी पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, एक राशि है जो है 2665, 2665 को दो बराबर भाग में बांटा गया है, 6265 को दो बराबर भाग में जब बांटा जा सकता है तो भाई ये जो दो बराबर भाग को जोड़ा जाए तो ये आना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई ये आना चाहिए। तो उसमें हम क्या किए थे, काट दिए थे, तो इसको भी काटना है, 8 3 3 से कट रहा है, 8 3 24, 3 5 15, 8 5 13। देखिए ये दोनों को जोड़ने से इतना होना चाहिए 2665, किंतु ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 13 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2665 को डायरेक्ट 13 से भाग लगा लेते हैं, 13 5 13 2 26, 13 5 65 पूरा कर लिया, इसलिए 0 लगा देंगे बीच में, मतलब हम 13 को 205 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2665। हम कह सकते हैं कि 13 से जो है 205 गुना बड़ा है, 205 गुना बड़ा है, या फिर 205 से गुना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। जब 13 को 205 से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है तो जो द्वितीय का पूछा है द्वितीय भाग की राशि, द्वितीय भाग की राशि जो है अगर इसको भी हम 205 से गुना कर दें तो भाई ये मेरा राशि प्राप्त हो जाएगा, 5 5 25, 7 2 0 हो गया 2 5 2 10, यानी कि 1025 रुपया। हमारा दूसरा भाग कितना हो गया 1025 रुपया, और यही अगर प्रथम भाग पूछता तो 205 को 8 से गुना कर देते, 8 5 40, 0 4, 8 2 16, 1640, 1640 जोड़ दीजिए 5 6 6 2, क्या गया हमारा, मतलब हमारा ये हो गया आंसर, हमारा ये हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत आसान सा सवाल है, कह रहा है 25,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको पी दे दिया है 25,000, आर दे दिया है 5%, और टी दे दिया है 3 वर्ष, एसआई पूछ रहा है, तो बताए थे SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P दिया हुआ है 25,000, R दिया हुआ है 5%, T दिया हुआ है 3/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 3 75, 5 5 25 के 5, हाथ में रह गया 2 5 7 35 2 37, यानी SI हमारा कितना हो गया 3750, 3750। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर, कह रहा है कि 3000 रुपए, इसमें भी आपको पी दे रखा है 3000, आर दे रखा है 4%, टी दे रखा है 5 वर्ष, SI पूछ रहा है, SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, पी आपको यहाँ पे दे रखा है 3000, आर दे रखा है 4%, टी दे रखा है 5 100, कट गया 4 5 20 गुना 30 बराबर
दुना छः, दो जीरो, ऐसा ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए, कह रहा है अशोक ने 15,000 रुपए, ये जो 15,000 रुपए ये क्या हो गया उसका मूलधन, बोले तो प्रिंसिपल। 15,000 रुपया 3 वर्ष के लिए, यानी टी बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार उधार लिए, दिए उनके 2700 रुपया ब्याज दिया उधार के लिए, के लिए होगा, अच्छा ब्याज, यानी एसआई जो है वह कितना दिया 2700 रुपया। देखिए ये 15,000 रुपया लिया और 3 साल में जो है वह 2700 रुपया ब्याज दिया, तो दर पूछ रहा है, यानी आर बराबर वाट। देखिए आर, आप आर निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, आर निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, बट हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो वही पी इंटू आर इंटू टी निकाल रहे बस उसी से निकालेंगे, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। देखिए आर निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, टी निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, पी निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, बट हम लोग सब इसी से निकाल लेंगे भाई, सब इसी से निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए आराम आराम से निकाल लेंगे कैसे। एसआई आपको दे रखा है 2700 रुपया, हम एसआई की जगह पे एसआई लिख लेंगे 2700 रुपया। पी दे रखा है 15,000 रुपया, पी लिख लेंगे 15,000 रुपया। आर नहीं दिया है, आर हम लिख लेंगे। टी दिया हुआ है 3 वर्ष, हम लिख लेंगे टी 3 वर्ष, ठीक। 100, ये दो जीरो कट गया। अच्छा बराबर के सामना सामने भी कटता है, बराबर का ऊपर ऊपर कटता है, ये बात जानते ही होंगे। ये जीरो इसको काट दिया। देखिए 3×9=27 और 15×6=90, क्या बच गया आर, आर बच गया, अब बराबर के इधर क्या बच गया 6 बच गया, तो हम आर बराबर लिख सकते हैं 6%, हो गया आंसर। तो भाई कहने का मतलब कि यही पी आर टी से आप सारा कुछ निकाल सकते हैं, सारा कुछ आप पी निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट आगे हम लोग जाएंगे देखेंगे, इतना चीज निकाल सकते हैं। हालांकि अलग अलग सर अलग अलग तरीका से बताते हैं, सबका अपना अपना तरीका है भाई, वो लोग भी अच्छा बताते हैं, और अगर आपको जरूरत पड़े तो वो सब सीख लीजिएगा, हम ये नहीं कहेंगे सीख भी लीजिएगा, सीख लीजिएगा, हो सकता है एक ट्रिक से नहीं निकले हो, लेकिन हमको जहां तक पता है भाई कि इससे आपको एक ही फॉर्मूला से सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन और सब जो बताएंगे वो भी सीख लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये 16वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग धीरे धीरे करके भाई सब कुछ निकालना सीख जाएंगे, सिर्फ आप बने रहिए और हम लोग बस एक ही फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि किस राशि पर आपको राशि नहीं दिया है, मतलब आपको मूलधन नहीं दिया है, प्रिंसिपल बराबर वाट। टी दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5%, यानी आर हो गया आपका 5%, वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एसआई हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई 200 रुपया। देखिए यहाँ पे फिर हमको पी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने का भी दूसरा फॉर्मूला है, मूलधन निकालने का दूसरा फॉर्मूला है,
किंतु हम लोग वो यूज नहीं करेंगे। हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही बोले थे कि हम एक ही फॉर्मूला से आपको सारा कुछ निकाल के दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि कैसे निकालते हैं। बस यूं आपको एक ही फॉर्म यूज करना रखना है, याद रखना है और यूज भी करना है। क्या है भाई? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ऐसा नहीं है कि टी निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, आर निकालने के लिए अलग, पी निकालने के लिए अलग, ऐसा निकालने के लिए। हालांकि ऐसा फॉर्मूला है भाई, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। बस सबका अपना अपना टेक्निक है, बात खत्म। सीधी सी बात, हम नहीं जानते हैं, हमको यही आता है, हम इसी से निकालेंगे सब। चलिए, क्या है, एस आई आपको दे रखा है 200 रुपया। एस आई की जगह हम एस आई लिख लेंगे भाई, 200 रुपया। बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। पी नहीं दिया हुआ है, पी को नहीं लिखेंगे। आर दे दिया है 5, आर को लिख लेंगे 5। टी दे रखा है 2, टी को लिख लिए 2। ये है 100 लिख लिए। जो जो दिया है 100-100 लिख देंगे, जिसको निकालना है उसको छोड़ देंगे। 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 10। अच्छा, अब कोई नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि बराबर का कोना कोनी गुना होता है और बराबर के ऊपर ऊपर कटता है। ये आप क्लास 3-4 में ही सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना, ये पी को उठा के अकेला कर लेना है, पी को निकालना है, पी को अकेला कर लिए, 2 एकम 2, 3 को 0 है, बैठा दीजिए। कितना हो गया भाई? 2000 रुपया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाट हटा के लिख सकते हैं क्या, पी बराबर 2000 रुपया हो गया आंसर। अब आप चाहेंगे ये सही है गलत, आप इसको इसमें भी यूज करके देख सकते हैं, आप इसको इसमें भी यूज करके देख सकते हैं। कैसे? पी आर टी बाय हंड्रेड 2005 × 2 / 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 × 10 10 × 20 20, 1 जीरो बचा हुआ है, आ गया 200 रुपया। ऐसा ही हो गया, आपको सारा कुछ निकाल के दिखा दिए। आप इससे ही भाई जो चाहे सो निकाल देगा। अभी इससे पहले हम लोग आर निकाले, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग पी निकाले, और एसआई तो हम लोग निकाल ही लिए, अब बच गया है टी। शायद कोई क्वेश्चन में टी भी निकल जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राशि पर, देखिए फिर इसमें पी पूछ लिया है, पी बराबर वाट टी 5 वर्ष, ठीक है, और साधारण ब्याज 10%, मतलब ये क्या हो गया, रेट हो गया 10%, वार्षिक दर से 150 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो ब्याज हो जाएगा, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो भाई 150 रुपया हो जाएगा। जब 150 रुपया हो जाएगा तो हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। हम वही अपना प्यारा सा छोटा सा फॉर्म लगाएंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, बस यही है मेरे सब कुछ। एस आई कितना दे रखा है? 150। पी नहीं दिया है, लिख लिए। आर कितना दिया है? 10। टी कितना दिया है? 5। और 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अच्छा, 5 × 10 कुछ नहीं होता है, बराबर का कोना कोनी गुना होता है। पी लिख लिए, 15 × 30, 1 जीरो बचा हुआ है, लिख दिए। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 300। आप चाहे तो फिर से इसको यूज में करके देख सकते हैं, इसको इसमें लगा के देख सकते हैं आपका क्वेश्चन सही है या गलत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि यदि कोई धन 12 माह हम इसको 1 साल लिख सकते हैं, 5% वार्षिक दर, रेट बराबर क्या हो गया, 5%
वार्षिक दर ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाता है। ये जो 840 रुपया है ना भाई, ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यदि कोई धन राशि, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है, यहाँ किसी नहीं कहा है, किसी कहता तो हमको पी निकालना होता और वो ऐसा ही हो जाता। यहाँ पे कहा है कोई धन राशि, कोई धन राशि 12 माह में 5% वार्षिक दर ब्याज ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाता है, जो वह धनराशि क्या है, जो वह धनराशि क्या है। अभी वो चीज यहाँ पे समझना है, अमाउंट, अमाउंट हमारा है 840, ठीक है, अमाउंट है 840। हम आपको इन्फॉर्मेशन में बताए थे कि अमाउंट में जो है ना दो चीज रहता है, अमाउंट में दो चीज रहता है, क्या क्या रहता है, तो भाई पी रहता है और एसआई रहता है, पी रहता है और एसआई रहता है। पी और एसआई कैसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए ए है ई बी है, ए 500 रुपया उधार दिया बी को, ए जब बी को 500 रुपया उधार देगा तो एक निश्चित राशि, मतलब एक निश्चित समय पर देगा और एक निश्चित रेट पे देगा, तो कभी ना कभी जब वो समय पूरा हो जाएगा तो उस रेट से वो पैसा उसको रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो उसका जो ब्याज होगा वो भी साथ में जोड़ के देगा, तो वो जो इसका मूलधन और जो ब्याज ये जोड़ के देगा वही हो जाता है अमाउंट, वही हो जाता है अमाउंट, ठीक है, वही पे ये इसका बात हो रहा है। ये जो अमाउंट है इसमें तो प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और एसआई भी है। अच्छा, प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल जो है मूलधन राशि जो है अपने आप में 100% देता है। ये इसको 500 रुपया दिया है, मतलब इसका 100% 500 रुपया है, ये 500 रुपया दिया है मतलब दिया है, कल देगा तो ज्यादा हो जाएगा किंतु कम नहीं होगा, ये 500 रुपया इसका 100% रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, पी अपने आप में 100% होता है, एसआई, एसआई देखिए यहाँ पे दे रखा है, दे रखा नहीं है मतलब निकालने का, 5 इसमें क्या होता है आर गुने टी, 5 × 1 = 5। अब ये है 100%, ये है 5%, 100% और 5% मिल के क्या हो गया 105%। तो हम कह सकते हैं कि 105% का मान जो है वो क्या है 840। 105% का मान 840 है, कैसे है, तो P और SI को जोड़ के अमाउंट बना है, तो ये दोनों को भी जोड़ के अमाउंट बना होगा, इसलिए 105% = 840। हमको निकालना क्या है 100% का मान, क्यों भाई, हमको यहाँ पे P चाहिए, हमको यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए, 100% 840, 840 बराबर 105 = 100, 21 × 5 = 100, कट गया। अच्छा, यहाँ पे 5 नहीं हो यार, 21 होगा, 21 × 4 4 × 2 = 8, 2 0 है, दे दीजिए, यानी कि 100% का मान कितना हो गया 800। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 800, यहाँ पे क्या हो जाएगा P = 800, कोई धन क्या हो जाएगा 800। आ गया बात समझ में, हम कोशिश करेंगे कि आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में, देखिए यहाँ पे आपको दो चीज दे दिया है, क्या दे दिया है भाई, एक आर दे दिया है जो है 12% और टी दे दिया है एक वर्ष, और आपको कुछ नहीं दिया है। ये जो है ये तो आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है, जो कि है 6000 रुपया। तो बस इसी चीज, जिससे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो सेम है कि
6,000 रुपया की राशि है, इसमें दो भाग में है, क्या है, एक प्रिंसिपल है और एक एसआई है। अमाउंट में हमेशा क्या रहता है, अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल और एसआई जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान से समझना है और इस बात को हमेशा के लिए नोट डाउन कर लेना है, कॉपी में नहीं दिमाग में भाई, कि अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल और एसआई जुड़ा हुआ रहता है। प्रिंसिपल जो है अपने आप में भाई हमेशा 100% रहता है, प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% रहता है, ये ध्यान रखना है। और एसआई जो कि एसआई किससे बना होता है, वो आर और टी से। आर क्या है, तो आर है आपका 12 और टी क्या है 1, ये टोटल कितना हो गया 12%, ये हो गया 12%, ये हो गया 100%। तो आप कह सकते हैं ना कि 112% के मान कितना हो गया भाई, तो 6,000 रुपया। और आपको चाहिए कितना पी, क्यों पूछा है, क्योंकि ये क्या पूछा है, क्योंकि ये राशि ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पी आपका क्या है 100%, तो आपको 100% का ही मान चाहिए, 12% का तो चाहिए नहीं, चूंकि 12% का तो ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो इसको यहाँ रखेंगे, 112 के उठा के नीचे लेकर जाएंगे और 100 चला जाएगा गुना में, 100 चला जाएगा गुना में, देखिए कट रहा है क्या, तो कट रहा है, पहले चलिए दू से काटते हैं, दू से, दो दूना दो पंचे, डायरेक्ट दो पंचे 10, एक दो छके 12, 56 दूना 112, 50 दूना 100, 2, 8, 25, 14 के 14, 14 दूना 28, 30 दूना 60, 7, 15, 7, 15 कट गया, 7 दूना 14, 1, 14 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना करके भागा लगा देते हैं, डायरेक्ट गुना करके भागा लगा देते हैं भाई, तो इसको भाई डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 25 25 15 25 60 75 75 के 5 हाथ में रह गया 7 15 2 30 30 7 37 2 0 10,000 और भागा 7, देख लीजिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए की, मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10%, यानी कि आर बराबर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए, तो टी बराबर वाट। देखिए यही क्वेश्चन का इंतजार था क्या था, यही क्वेश्चन का भाई इंतजार था, क्यों इंतजार था, तो अभी बता रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अभी देखिए हम आपको बोले थे किसे हम इसी फॉर्म से आपको सारा कुछ निकाल के दिखा देंगे, क्या बोले थे कि आपको इसी फॉर्म से सारा कुछ निकाल के दिखा देंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम P निकाले हैं, हम R निकाले हैं, SI निकाले हैं, बट T नहीं निकाले थे, अब इस क्वेश्चन में T भी आ गया, इस क्वेश्चन में क्या आ गया, टी भी आ गया, यानी कि समय निकालना भी आ गया, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा भाई कि मेरे ये फॉर्म से जो है सारा चीज निकल जाएगा,
देखिए हम आपको पहले भी बोले थे कि टी निकालने के लिए, आर निकालने के लिए, पी निकालने के लिए अलग अलग सबका फॉर्मूला है, लेकिन हम वो तरह तरह का फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम इसी तरह से इसी फॉर्म से हम सारा कुछ जब निकाल ही सकते हैं तो हम क्यों जाए। हालांकि हम पहले ही बोले कि आप अपना जानकारी के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हैं, दैट्स व्हाट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे आप कभी भी इधर उधर भटकेंगे नहीं, आपको 10 तरह का याद करने का दरकार नहीं। चलिए आते हैं, एसआई देखिए दिया हुआ है 300 रुपया, एसआई दिया हुआ है 300 रुपया, बराबर पी दिया हुआ है 600, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 600, आर दिया है 10, टी नहीं दिया है, टी आपको निकालना है, और बाय है 100। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, बराबर के ऊपर ऊपर कटता है, कट गया, 6 पंचे 30। देखिए टी है इधर, बराबर है बीच में, 5 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 साल में ये इतना हो जाएगा। अब ये तो भाई प्रूव हो गया कि हम इससे सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे सारा कुछ निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया 21वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1000 रुपए का, यानी कि आपका P बराबर हो गया 1000 रुपया और R बराबर हो गया 5%। अच्छा T ये हो गया 299 दिन, क्या है 299 दिन। जब इंफॉर्मेशन बता रहे थे आपको तो उस समय बताए थे कि घंटा रहे, सप्ताह रहे, दिन रहे, महीना रहे, उसको क्या करना है आपको ईयर में चेंज कर लेना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। एसआई पूछ रहा है, एसआई आप लिख लीजिए, एसआई बराबर, चलिए एसआई पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, आपको आता ही होगा एकदम बहुत प्यारा सा। हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको आराम से हंसते खेलते याद हो जाए, क्या है एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। चलिए पी आपका कितना है भाई 1000, आर कितना है 5%, अच्छा टी है 299 दिन। अब देखिए ये तो प्रतिशत का 100, ये इसका, ये जो 299 दिन है इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे 365 लगाते हैं बस, और कुछ नहीं करना है, 365 लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको कटाते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं, दो जीरो से दो जीरो कट गया, अच्छा 5 से 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 3 लास्ट में इकाई अंक 3 है, यहाँ 9 है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। दो सौ निन्यानवे दिन है, नहीं 299 दिन, सॉरी यार ये 219 दिन है, ये मिस्टेक हो गया, ये 219 दिन है, यहाँ भी 219 होगा, ये दिन जो है 299 नहीं 219 है, 7 तिया 21, ये यानी कि ये 3 बार में कट जा रहा है, सारा यही है 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, सॉरी भाई यहाँ पे ये 219 दिन था, 219 दिन कहाँ गया, यहाँ था। अब क्या बच गया, 3 को गुना करना है 15 से, 3 पच्चीस 15, अब 15 धन 150, यानी एसआई बराबर आ गया कितना, 15 धन
150, तो यहाँ भी 8 हटा के लिख दीजिए, 15 150 रुपया। इस चीज के लिए हम क्षमा चाहेंगे भाई, यहाँ 299 नहीं 219 दिन था, लिखने में मिस्टेक हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पी बराबर 800 रुपये एक वर्ष में, टी बराबर 1 ईयर 1000 रुपये हो जाएगा, यानी अमाउंट जो है 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, रेट निकालना है, आर निकालना है, हम निकालेंगे वही पी बाई टी से, निकालेंगे क्या वही पी बाई टी से, बस एक थोड़ा सा एक चीज देख लेना है। देखिए भाई, अमाउंट जो है आपको दे रखा है 1000 रुपया, अमाउंट जो आपको 1000 रुपया दे रखा है, तो अमाउंट में क्या होता है हमेशा पी और एस आई, अमाउंट में ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है, अमाउंट में ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है, पी अमाउंट में पी और एस आई जुड़ा हुआ रहता है, पी अपने आप में 100% रहता है। आपको यहाँ पे पी दे रखा है कितना 800 रुपया, जब पी 800 रुपया दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि एस आई जो है अपने आप 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम अपना चीज लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बाय 100 हो गया। एस आई यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 200 रुपया, बराबर है बराबर का चिन्ह दे दिए, पी दिया हुआ है 800 रुपया, पी दिया हुआ 800, आर नहीं दिया है आर लिख लिए, टी दिया हुआ है 100 लिख लिए, बराबर 100 कट गया। ये काट सकता है 8 × 16 बच गया 4 दे दिए इसको, हो गया 8 × 5 = 20 8 × 5 = 20 यानी कि हम कह सकते हैं कि R बराबर जो है कितना हो जाएगा 25%, R बराबर 25%, ये हो गया आपका आंसर। चलिए कह रहा है कि कितने समय में, जैसे बोला कितने समय में टी बराबर लगा लीजिए वाट, 800 रुपये ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया 800 रुपये। अच्छा आर बराबर आपको दे रहा है 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यानी कि एस आई दे रहा है 125 रुपये, सब तो दे रहा है तो पूछ कर रहा है भाई हो जाएगा, तो टी पूछ रहा है बस टी लगे निकालने के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करने की दरकार नहीं, यही फॉर्मूला है पी आर टी बाय 100, एस आई आपको दिया हुआ है 125, पी दिया हुआ है 800 रुपया, आर दिया हुआ है आपका 12.5 गुना टी निकालना है, टी लिख लिए, परसेंटेज का आ गया 100, इसको हटाएं आ गया 10, काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया, 125 से 125 कट गया, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी कि टी बराबर आ गया 4/5, इसको पूर्णांक में ला लीजिए, पूर्णांक में ला लीजिए, मिस्टेक हो गया भाई, ये नहीं होगा, ये होगा 5/4, ये बराबर बराबर गुना होगा ना, तो ठीक है तो इसके साथ टी तो इसके साथ गुना हो जाएगा, ई चला जाएगा बराबर में, आई नीचे आ जाएगा भागा में, तो 4 × 4 = 4 बच गया 1 हो गया, टी बराबर इतना
आंसर। चलिए ठीक है, बस आज ये क्लास इतना ही, दीजिए इजाजत, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।